ब्रेज मोहन धाम ने भी कविता रानी गुरु नानक पातशाही जो चूक मात्र सामने पड़े हाँ गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं गुरु नानक जिन सुने आते थे गुरु की गल जिसने मान ली जिसने समझ ली जिसने गुरु की गल समझ ली फिर उसको जूनियर स्टार नहीं आना है जिड़िया जूनिया कोई आखे कि मरण तो बाद कोई जूनी मिलती है पर ये वो भी भूल है असी इसी जीवन के निष्कार ही कितनिया जूनिया चला चले जाने किसी जीवन में जी सानो मरण तो बाद की होएगा कोई पता नहीं लेकिन साधु की बाणी में वर्तमान समझ कर समझी तब साधु सचे पातशाह एक कोशिश कर दिया कि इसी जन्म विचार दुनिया साड़ियां दुनिया हम असी उन्हें दुनिया तो बच सकते हाँ जे असी गुरु की गल मान लेंगे जिस वे साढ़े ते क्रोध आ जाना क्रोध क्रोध जिसे आ असी कड़ी दुनिया का कल्याण चंडाल ही होनी चाहिए चंडाल बन जाना उसी है जिस वे साढ़े ते क्रोध आ जाना क्रोध जिसे आ जिस वेले असी अपने मित्रा नु नहीं समझते भैन भरावान नु नहीं समझते किस जुन चले हां पशु जुन कर चले हां असी तो जींदे हैं जी जुन कर चले जाने हां साधु कहंदे जे तू वचन मन लवे ना तो तेरी अवस्था सहज अवस्था हो जाए सहज अवस्था सहज अवस्था रहे गुरु नानक पातशाह इतिहास ਜਿਵੇਂ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ਦਾਰ ਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੌ ਸੁਹਾਵਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੋ ਭਲੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਹੋਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਉਸੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਝ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਲੀ ਰੱਖਦਾ ਬਲੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
वली का अर्थ है मालक। उसने पिंड वासियों को कहा कि मैं बड़ा मालक हूं। फिर गुरु नानक पातशाह ने जो मर्दाने नो पेश किए, जो खेत रचाई, पानी सारा थले खिंच लिया, पत्थर वली के नाले सुटिया, ते गुरु नानक पाया पंजा ला के पत्थर रोक पहाड़ी रोक ली। मुर्दार की गल की है, मुर्दार की गल ये है कि वली के नाले नो गुरु नानक पातशाह ने फिर समझाया बाद कि नाम जप के रिद्धियां सिद्धियां जो प्राप्त होंदियां हैं, इन्हां नूं जगत जनन दे दे भले दे वरतना है। भावें हमजा गौस होवे, वली कंधारी होवे, कोई भी होवे, सब नूं साधुआं ने भले दी राह दसी। ज्यादा लंबियां विचार ना करके भाई मर्दाना पिंड च चला गया। भुख लगी सी, बारह दिन गुरु नानक पातशाह पिंड के बाहर बैठे सन। मरदाने ने बजरा क्या कि तू बह जा, कोई आ जाएगा तेरी भुख शांत करा देना। मरदाना कह रहे थे पातशाह मैं जाना, मैंने बहुत लोड़ है। सतगुरु कहने लगा चलो यार लोड़ उठा ले। मरदाना जिस वे गया पिंड का, पिंड वासियों को पता लग गया कि बारह साथ बैठे हम परमेश्वर ना जुड़े हम कीर्तन कर रहे हम। उन्होंने मर्दाने नो भोजन बंद करना, मर्दाने नो छकाया ते नाल भोजन बंद दिता ते नाल बस्तरां दी गठरी भी दे दित्ती। बस्तर बंद के दिते मर्दाने नो। इस वे मर्दाना वापस आया, तां गुरु नानक पातशाह मर्दाना एक ही लिया है ते पातशाह मैंने पिंड वाले बड़ा प्यार कीता, मेरे का मेरा बड़ा प्यार किया, फिर अपना मैं भोजन भी छकाया, आग भी दिता, ते बस्तर भी नाम दे दिते, ते गठरी बस्तर भी दिती होना है। गुरु नानक पातशाह अखंड मर्दानिया ते बस्तर सारे त्रिवंदर वंड दे, इन्हां दा साडे नाल की रहना है। जरूरत तो ज्यादा रखी चीज मर्दानिया लोभ पैदा करती है। बचन गुरु नानक पातशाह ने कहे जरूरत को ज्यादा रखी चीज बंदे को लोभी बना देती है, ते लोभी बंदा किसी का भला नहीं कर सकता। मत बख्शी गुरु नानक पातशाह थाईलैंड गए था 1996 साहब महाराज जी संत माते बह गए, फिर वेला सी पला समा सतगुरु सेवा राम जी दास ने मौका मिल गया। 1996 की गल सुना रहे क्योंकि ध्यान चला गया उस पास, कितनी सतगुरां के अंदर बरकत। एक दिन विचकार तीन तीन प्रोग्राम, चार चार प्रोग्राम, एक दिन का पांच प्रोग्राम रखे गए कीर्तन में, पांच दीवान थाईलैंड का कान साड़ी मारा, पांच दीवान कर भी नहीं जो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, असी थक गए तो माते झड़े फ्रेश हो, पांच पांच दीवान कर तो जिक्र करा कि बड़े प्यार करते सन राधा जी साढ़े नाल, राधा जी की रिश्तेदारी बड़े प्यार करन, ते ओ इस टाइम वापसी चलन लगी है तो बस्तर बस्तर लिया ऐसे रूपा लो दास को मिलया। दास साहब महाराज जी भेज गई महाराज बस्तर है तो महाराज जी नाल आया हां उन्होंने विनती करो ते साहब महाराज जी ने उन्होंने कितना वस्त्र कितने ढेर ला रहे, लेकिन सतगुरु ने कदे हाथ नहीं लाया। कच्ची मत वाले होंगे ना नाल बोलते और सोच रहे कि इतना सारा सामान मिल रहा है सातु सातु कहने नहीं सानु संगत प्यार है।